सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैके ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। सबसे पहले देखे मैंने विश किया आप लोगों को, ठीक है? मैंने कहा था बचपन में कहते थे कि देख यार मैंने बर्थडे पहले विश किया तुमको, ठीक है? तो वही बात हो गई, सबसे पहले मैंने विश कर दिया आप लोगों को, ओके याद रखना। ओके तो आगे बात करते हैं। तो धनतेरस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल होता है। बेसिकली जब दीपावली स्टार्ट होती है तो उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से दीपावली की ईव पर धनतेरस सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से मानते हैं कि धनतेरस से दीपावली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे देश में बेसिकली जो हिंदू कैलेंडर है उसके जो कार्तिक महीना है उसके बेसिकली बेस पर हम लोग इसको बनाते हैं। और ये 13th लुनार डे ऑफ कृष्णा जो पक्ष होता है हिंदू कैलेंडर का, उसमें कार्तिक महीने में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग को देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो सारी चीजों के साथ साथ में थोड़ा सा अपनी कल्चर का भी आप लोग को पता होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं अगर उसकी कल्चर का नहीं पता तो फिर क्या ही पता। तो अपनी देशी कल्चर को भी जानने की कोशिश करो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है, ठीक है? पर हाँ, जितनी कोशिश करता हूं अगर कहीं जानने का मौका मिलता है तो ऐसा नहीं कि नहीं यार नहीं इसको नहीं जानते क्या ही करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से फीलिंग आनी चाहिए यार अपनी कल्चर है इसको भी जानते ना, तो एक तरीके से पता होना चाहिए ना अपने देश के बारे में, कि दुनिया को तो जान लेते हैं सब पर अपने देश के बारे में पता नहीं है, तो वो वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है? तो अपने देश के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमेशा, अपने देश के बारे में हमेशा जहां पर मौका मिले कुछ नया जानने का हमेशा उससे जानने की कोशिश करो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप में से एक बच्चे के द्वारा पूछा गया रिसेंटली, अभी किसी से एग्जाम में शायद पूछा गया। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर बात करें कोई पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, ठीक है, आफ्टर रेजिग्नेशन ए मिनिस्टर नीड द परमिशन, यानी कि किसकी परमिशन उसको लेनी पड़ेगी टू गिव ए पर्सनल स्टेटमेंट इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा के बारे में बात की जा रही है, यानी कि लोअर हाउस के बारे में बात की जा रही है, अबाउट द रेजिग्नेशन इन इंडिया, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर किसकी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया प्राइम मिनिस्टर, बी में बोला गया स्पीकर, सी में बोला गया प्रेसिडेंट, डी में बोला गया सुप्रीम कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोगों को वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं बताऊंगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे, पहले एक ओवरव्यू भी लेंगे क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और काफी कुछ प्यारा आप लोगों को जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट कोटेशन। बेसिकली बात की जा रही है, लोग हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ जज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, पर लेकिन जब भी मौका मिलता है तो अपने आप पीछे नहीं हटते हैं। तो कहते हैं सब डोंट जज मी, लेकिन करते हैं सब। यानी आज की डेट में आप लोगों को कथनी और करनी में लोगों के काफी डिफरेंस नजर आएगा और आप लोगों को हमेशा लोग हर एक पॉइंट पर जज करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप लोग अगर कहीं पर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप लोगों को रोकते टोकते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सोसाइटी में बिल्कुल कई बार ऐसी होती है, कूप मेंढूक वाली प्रवृत्ति नहीं होती है कि यार मेरी सोसाइटी में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदार में कभी किसी ने ये एग्जाम नहीं निकाला है, तो जब उन्होंने नहीं निकाला है तो तुम क्या निकाल पाओगे, वो वाली बात है। तो ऐसा कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई बोल भी रहा है तो उसकी बातें आप लोगों को नहीं सुननी है, ठीक है? ये तो वही बात होगी कि नीरज चोपड़ा बोलता है कि मेरे गांव में किसी ने कभी गोल्ड लिया, मैं कहां ले पाऊंगा, ठीक है? तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये आप लोगों के अंदर कितना जज्बा है, जुनून है अपने गेम को लेकर, वो सारी चीजें आप लोगों को बताती है कि आप लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा अपने टारगेट को लेकर एक जुनून रखिए, फिर हमेशा आप लोग अपने मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। ओके, एक बच्चा एक और बात बोल रहा था कि सर दीपावली पर छुट्टी कर देना, यार स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे हो, छुट्टी कर देना। ये तो बिल्कुल ऐसे होगी, वाह छुट्टी, हाँ ये तो स्कूल में तो ऐसे होता कि यार अरे किसी की डेथ होगी, अरे यार डेथ होगी, अबे किसी की छुट्टी मिलेगी आज, तो वो वाली बात है ना, तो छुट्टी चाहिए, बहुत चैन हो रही है, छुट्टी छुट्टी उट्टी रहने दो, पढ़ लो एक बार, सिलेक्शन ले लेना, फिर छुट्टी छुट्टी कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, पहले एक ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। छुट्टियों का एक टाइम हुआ करता था, ठीक है? अब तो मुझे खुद नहीं पता चलता है कब संडे मंडे निकल जाता है, ऐसे चलता है टाइम ड्यूरेशन। देखो ये टाइम जो होता है ना एक लाइफ में जो आप लोग का जो फेज होता है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं 20 से लेके अगर 30 के बीच में आप लोग कहीं पर सेटल हो जाते हैं ना, ये जिंदगी का सबसे बेस्ट फेज होता है, ठीक है, अगर इसमें आप लोग सेटल हो जाते हैं, वरना फिर आगे चलकर दिक्कत होने लगती है, बहुत सारे और इश्यूज बनने लगते हैं, ठीक है? ये सबसे एनर्जेटिक फेज होता है, इस फेज में अगर आप लोग कुछ अच्छे से कहीं पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है, अगर यूपीएससी की एज के बारे में बात करें तो 32 होती है, तो वहां तक आप लोग लगा लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्टेट पीसीएस के हिसाब से चल रहे हैं कि 40-45 साल में बेसिकली जाकर सिलेक्शन ले रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है कि बच्चे भी साथ में एग्जाम दे रहे हैं। देखो सिलेक्शन तो हो जाएगा कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आएगा, ठीक है? एक तरीके से अपनी जिंदगी को जितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे, ठीक है? अभी आप लोगों के पास में टाइम भी है, फिर क्या होता है, फिर एक वही फंडा चल जाता है कि हाँ उम्र हो गई है, शादी कर देते हैं, डोर वो
तो दुनियादारी फिर साथ में जुड़ने लगती है। तो इसलिए अच्छा है कि इस पर्टिकुलर एज को अच्छे से एंजॉय करो पढ़ाई के साथ में और पूरा फोकस अपने टारगेट पर दो, ठीक है। अब देख लो, मान लीजिए वैसे मैं बात ही कर रहा था नीरज चोपड़ा की, बंदा गोल्ड जीत कर बैठ गया स्टार्टिंग के फेज में, अब आगे कितना काम करता है तो वो तो एक अलग बात है, पर लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि अब अगर यहां भी कुछ करे आज से, ठीक है, तो जिंदगी सेट कर ली है, तो क्यों ना ऐसे अपनी जिंदगी को एक बार सेट कर लो, फिर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करते रहो, ठीक है। तो ये बेसिकली बातें हैं कुछ। आइए बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है रिसेंटली अभी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया सेकंड फेज, तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जिसके नाम रखा गया यहाँ पर संकल्प, ठीक है, अंडर संकल्प। तो संकल्प की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, बाकी न्यूज तो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला ही हूँ, ठीक है। इसी के साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंदर में आता है, इसी से हम लोग बेसिकली जो प्रेस है वो निकाल कर लेकर आते हैं, तो उसी के बारे में आर्टिकल होगा जानेंगे हम। नॉर्मली आप लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी कि कई सारे ऐसे राज हमारे कंट्री में, कई सारे ऐसे पार्क, कई सारे ऐसे पर्वत, कई सारे ऐसे रास्ते जिनके नाम कई बाहर के लोगों के नाम पर हुआ करते थे, उनको हम लोगों ने चेंज कर अपने देश के नाम पर कर दिया, पर लेकिन अभी यहां पर ये थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी बन सकता है। ये यहां पर बेसिकली उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन भी बन सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, अयोध्या बहुत ज्यादा न्यूज में रहा राम मंदिर को लेकर वो सब चीजें, तो उसकी वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और ये कई बार अभी रिसेंटली और भी इससे रिलेटेड कई सारी बातें हो चुकी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा, सारी बातें आप लोग जान पाएंगे। एक पर्टिकुलर एरिया था यहां पर जिसका नाम चेंज करके क्वीन हियो हुआंग ओके, ये यहां पर मेमोरियल पार्क है बेसिकली, पहले कुछ और नाम था इसका, ये किस रिवर के पास में ये आप लोगों को बताना है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज किया गया, क्या रीजन था, क्या क्या बातें थी, सारी काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैप के साथ में बातें करेंगे, कुछ बातें आप लोग अच्छे जानने को मिलेगी, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा अभी एनुअल जो मीटिंग थी ये थी बेसिकली किसकी, इसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIB, तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो कौन से नंबर की ये मीटिंग अभी हुई थी यहाँ पर ये बताना है। इंडिया जो है 57 मेंबर है टोटल यहाँ पर आज की डेट में AIIB के, इसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 7.62% वोटिंग राइट है हमारे पास में। पहले नंबर पर कौन है ये आप लोगों को बताना है। बहरीन जो है वो थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है हमारे देश में, एशिया में, आप लोगों को ये बताना है। बाकी के दो कौन से हैं ये आप लोगों को बताना है। जो नाम है बहरीन आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर, तो ये एक पर्टिकुलर शब्द है जिसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली बहरान, ठीक है, तो ये बहरियान बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग, इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। आगे बात की जा रही है, अगर आप लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में तो सबने सुना होगा, पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में किस किसने सुना है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। हमारे देश में अकेला राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है इस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से, वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो काफी कुछ प्यारा आप लोगों को जानने को मिलेगा, टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो सुनने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, वो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए इसी, क्योंकि इसी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर रखा है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट किया आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगाया तो यहां पर ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आंसर भी, ठीक है, कई बार एक्सप्लेनेशन भी रहता है यहां पर, तो इसको आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पता है मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है यहां पर, अगर आप लोगों ने देखी होगी, एक सेकंड, यह है कंप्लीट अक्टूबर और इसी के साथ में नैनो और हिंदू दोनों की पीडीएफ, तो इनको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, एंजॉय कीजिए अच्छे से, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, आगे बढ़ता हूं यहां पर, अब एक एक कर आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली यहां पर, अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो समझते हैं क्या बात की जा रही है। बोलते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल डे टू एंड द इम्प्यूनिटी, यानी कि माफी के बारे में बात की जा रही है, फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि जो कि जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई क्राइम करता है, जो पत्रकार होते हैं उनके खिलाफ कोई क्राइम करता है उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखें तो डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है जो जर्नलिज्म, यानी कि जो पत्रकारिता होती है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर पहुंचाना, आप लोग जानते हैं कि एक तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन जब वाली बात करते हैं तो लोगों को हक है इन्फॉर्मेशन जानने का, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पत्रकारिता के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो याद रखेगा, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो पार्ट थर्ड के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आर्टिकल 19 इसके बारे में बात करता है, पर लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है यहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही यहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस निकाल कर लाया गया है, ठीक है, और यहीं से अगर बात करें कोई आप लोगों से, जैसे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है
जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिटीजन के राइट हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस सेम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन के राइट हैं, तो उस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई विघन डालता है तो फिर वो सही बात नहीं है। तो 2 नवंबर जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अगर कोई क्राइम हो रहा है अगेंस्ट जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल तो उसको रोका जा सके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर सही तरीके से पत्रकारिता कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग आप लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट के सामने झुके हुए नजर आएंगे, उनके सामने कुछ भी आवाज नहीं उठा पाते हैं, चाहे गवर्नमेंट कितना भी गलत क्यों ना कर ले। तो अगर कोई कर रहा है ऐसा कुछ काम की गवर्नमेंट की जो एक तरीके से कमी है उसको सामने लेकर आ रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करने की बेसिकली बात की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा। अब यहां पर जो आगे मैं कई सारी बातें करने वाला हूं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं एक एक करके जो जो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कुछ ऐसी रहेंगी जो नोट डाउन करने लायक होगी तो उनको आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट ऐसी होती है इन्फॉर्मेशन जो लंबे समय तक आप लोग याद नहीं रख पाते हैं, नोट डाउन करोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद भी आप लोग रख पाओगे। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले जो यहां पर हम लोग बात करेंगे ये बेसिकली यहां पर बात की जा रही है AIIB के बारे में, इसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसकी अभी यहां पर 6वीं मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की एशिया के अंदर। ठीक है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया के द्वारा भी यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, तो यहां पर हमारी कंट्री का जो वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 6वीं जो ये मीटिंग अभी देखने को मिली। तो जो AIIB है ये बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो मेंबर कंट्री है उनकी हेल्प करना, और खासकर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा COVID-19 के चलते तो यहां पर काफी बड़ी हेल्प यहां पर इंडिया को भी देखने को मिली। तो यहां पर मल्टीलेटरल बैंक इसको बेसिकली बोला जाता है जो कि यहां पर कंट्री को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कोई क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, ठीक है, COVID-19 हो गया, कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, तो उसमें यहां पर कैसे चीजों को लेकर चलना है, तो एक्सप्लोर करता है कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर आगे चला जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर प्राइवेट सेक्टर की जो यहां पर कैपिटल मोबिलाइजेशन है उसके ऊपर भी यहां पर काम करता है, अगर कोई ग्रीन डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है, यानी कि अगर एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई अगर आगे बढ़ता है तो इसी के साथ में रेजिडेंट बोर्ड एंड द रीजनल ऑफिसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और इसी के साथ में क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहां पर लोगों को ट्रस्ट होगा इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर वहां ट्रस्ट ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा और इस तरीके चीजें फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। इंडिया का जो यहां पर स्टैंड आप लोगों को देखने को मिलता है, बेसिकली भारत के अंदर अगर सजेशन के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री के लिए जो फिजिकल और इसी के साथ में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फिजिकल ढांचा बना दिया कोई भी यहां पर, जैसे रोड ब्रिज वगैरह ये सब चीजें हो गई। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्थ के मामले में खर्च करना, ठीक है, एजुकेशन के मामले में खर्च करना, तो ये सोशल एक तरीके से इंप्रूवमेंट का काम करता है। फ्यूचर जो यहां पर इसका अगर एंडेवर के बारे में बात करें, यानी क्या क्या प्रयास है, तो यहां पर बोथ जो कि सोशल एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है ताकि कोई दिक्कत आगे देखने को न मिले। और जो ऑपरेशन टारगेट यहां पर किए गए थे, गोल बनाए गए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम पर, तो उनको भी कैसे लेकर चलना है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। बेसिक पर्पज ये रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हो रही है उसके साथ में मेल मिलाप करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट अगर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी आप लोगों यहां पर कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्यों ना अपनी कोई भी चीजें जो है वो आप लोग ढंग से तैयार करके रखें। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है यहां पर, ये तो इंपॉर्टेंट यहां पर काम बेसिकली है कि अनलॉक करता है न्यू कैपिटल इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी या प्रमोट करता है रीजनल कनेक्टिविटी में भी। अगर बात करें यहां पर AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, तो यहां पर 2015 में यहां पर ये बेसिकली पिक्चर में आया, 57 फाउंडिंग मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, ठीक है। इसी के साथ में आज के लिए बात करें, मेंबरशिप जो है वो 102 कंट्री तक पहुंच चुकी है, स्टार्टिंग में 57 थे, हेडक्वार्टर बीजिंग में यानी कि चाइना के अंदर में, और 2016 में ये ऑपरेशनल हो गया था, ठीक है। अगर इंपोर्टेंट बात मुद्दे की बात करें तो इंडिया जो है यहां पर 57 जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें था, और इंपोर्टेंट यहां पर ये कि चाइना के बाद में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अगर किसी के पास में वो है इंडिया के पास में, चाइना के पास में 26.06 है और इंडिया के पास में 7.62 है। तो यहां पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगी। कुछ और मुद्दे अगर बात करें यहां पर, अब तक सबसे ज्यादा जो किसी को लोन मिला है यहां पर, तो 4.35 बिलियन जो है वो इस बैंक से वो इंडिया को मिला है, हाईएस्ट लोन हमारी कंट्री को यहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो जो बैंक है उसके द्वारा अप्रूव किया गया 19.6 बिलियन टू सपोर्ट द 87 प्रोजेक्ट 24 कंट्री में, और सबसे ज्यादा हमारी कंट्री को यहां पर मिला। दूसरे नंबर पर यहां पर तुर्की को मिला 1.95 बिलियन, यानी कि हमारा लगभग आधा।
ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। AIIB जो है यहाँ पर इसके द्वारा फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि एनर्जी हो गया, ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह हो गया या विंड एनर्जी हो गया, इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ठीक है, उसमें भी खासकर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, ठीक है, वाटर के बारे में बात करें तो बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर 335 मिलियन देखने को मिला, गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 329 देखने को मिला यहाँ पर, और फेज थ्री में मुंबई अर्बन जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसमें बेसिकली यहाँ पर 500 मिलियन देखने को मिला, ठीक है। अभी हाँ, गुजरात के बारे में बात करूँ, एक बच्चे का बेसिकली मेल पड़ा हुआ था तो उसने बोला सर शादी है घर में, आपको इन्विटेशन भेज रहा हूँ, जरूर आना। ठीक है, ठीक है यार, क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, जब आपने इन्विटेशन दिया तो जरूर आएंगे, आ आएंगे फिर सबसे मिलेंगे। वैसे गुजरात से अगर मैं पूछूं आज के डेट में किसी, मतलब ये जो बंदा था मुझे लगा सर सूरत या फिर अहमदाबाद से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ से मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो रहते हैं, मतलब गुजरात से अगर पूछूं तो यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर देखते हैं, ठीक है, बताइएगा जरा, पता रहना चाहिए, अगर कभी कहीं घूमने निकलूँ तो कम से कम आकर मिल तो लूँ आप लोगों से, पता चला घूम कर आगे किससे मिला भी नहीं क्योंकि डेली डेली तो जा नहीं जाता है सब जगह, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। बताइए गुजरात से कौन कौन लेक्चर देखता है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है डेवलपमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी काम करते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में लेकर चलते हैं ताकि प्रायोरिटी बेस पर प्रोजेक्ट को ध्यान में रखा जा सके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया, इंडिया के लिए क्या क्या बातें हैं, और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से बन जाए तो कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, ये काफी एक डिफरेंट सी प्यारी सी और हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करी हुई न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्या है समझते हैं यहाँ पर। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में जहां पर राम मंदिर काफी ज्यादा न्यूज में है और इसी के चलते जो बाबरी वाला इशू आप लोगों को देखने को मिला था उसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। यहां पर एक पार्क था जिसका नाम था राम कथा पार्क, तो राम कथा पार्क का नाम चेंज करके अभी रिसेंटली कर दिया गया है यहाँ पर क्वीन हियो हुइंग ओके मेमोरियल पार्क, ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन हो जो मैं जो यहाँ पर ये ओके जो मेमोरियल पार्क यहाँ पर रखा गया है, ये जो पर्टिकुलर क्वीन है, ये जो पर्टिकुलर रानी है, ये हमारे देश से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इस नाम का बेसिकली चेंज किया गया है, यहाँ पर ये नामांकन किया गया है, तो ये माना जाता है कि कोरियन क्वीन है ये, और बिलीव ये है कि ये इंडियन रूट है इसका, यानी कि ये जो क्वीन है ये इंडिया से बिलोंग करती थी। यहाँ पर बात करें तो 2000 में इंडिया और साउथ कोरिया के द्वारा एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, अयोध्या और इसी के साथ में गिमहे, ये सिस्टर सिटी की कैटेगरी में इनको रखा गया था, ठीक है, तो आज तो यहाँ पर एजी के नाम से याद रख लेना, ठीक है, तो ये दो एरिया है यहाँ पर। अगर बात करें मार्च 2021 में यहाँ पर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं और इसी के साथ में साउथ कोरिया के जो काउंटर पार्ट है उनके द्वारा इंडिया कोरिया जो फ्रेंडशिप पार्क है वो भी यहाँ पर दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में, याद होगा आप लोगों को अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो मैंने मार्च के महीने में ये न्यूज कवर की थी, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी बनाया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो कोरियन जो क्वीन है ये माना जाता है कि यहाँ पर प्रिंस है यहाँ पर बेसिकली सूर्यरत्न, ठीक है, ऑफ अयोध्या, इसी के साथ में ड्यूटर थी यहाँ पर किंग पद्मसेन और यहाँ पर इंदुमती, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनसे कनेक्टेड थी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है यहाँ पर कि समगुक युगसा, ठीक है, तो यूसा, तो यहाँ पर एक मेमोर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मेमोरेबल ऑफ थ्री जो किंगडम है तो उनसे बेसिकली कनेक्टेड आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। जो प्रिंस है उसके द्वारा ट्रेवल किया गया यहाँ पर जो एंशियंट जो लैंड है जिसको बोलता है अयोध्या, ठीक है, और मैरिड की गई यहाँ पर बेसिकली शादी की गई किम सुरो, ठीक है, जो कि फाउंडर थे यहाँ पर गेमुआन डेंसिटी जो कोरिया के अंदर में, यानी कि ये माना जाता है कि इनके फादर को जो सपना आया और फादर ने बोला कि बेटी की शादी जो है कोरिया के किंग से होगी, ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनको रवाना कर दिया कोरिया के लिए, ठीक है, और आज की डेट में देखो कोई ऐसा करेगा कि बाप को सपना आया और बेटी को शादी करने के लिए भेज दिया, आज की डेट में भी इतनी लिबर्टी नहीं है जितनी उस टाइम पर देखने को मिली, हालांकि उस टाइम पर भी बेसिकली फादर के द्वारा ही भेजा गया, लेकिन बड़ी बात थी यहाँ पर एक तरीके से इतने लंबे सफर में पार कर, ठीक है, वहां पर शादी करने के लिए भेजा गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें पहले आप लोग एक बार मैप भी देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, मैप के चलते आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां से यहां पर जंप मारा गया ये, और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि जो ट्रेवल किया गया बाय बोट के थ्रू यहां पर ट्रेवल किया गया, कई सारे और साथी सहयोगी भी थे यहां पर। इसी के साथ में यहां पर मैंने बताया कि यहां पर एक ड्रीम आया, ठीक है, अबाउट द मैरिंग किंग सुरो, ठीक है, तो यहां से इनके जो फादर थे उनके फादर साहब को ड्रीम आया, यहां से चीज चली। उसके अपने साथ में यहां पर ये बेसिकली पगोड़ा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिलती है, ये भी लेकर गई जो कि अब इनकी टोम के पास में आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बेसिक, कुछ हिस्ट्री की बातें और कुछ करंट की बातें मिक्स कर ऐसे ही आप लोगों के सामने एक मिक्स वेज प्रस्तुत कर दी जाती है, ठीक है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज थी, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। कई बार कई सारी चीजें रहती हैं। अभी गवर्नमेंट के द्वारा सेकंड फेज महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में बात की जा रही है, जिसमें संकल्प एक प्रोग्राम है। तो संकल्प जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। तो यानी कि स्किल को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं और नॉलेज के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और लाइवलीहुड होगा यानी तभी तो यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगी। तो स्किल काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ट्रेनिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, एबिलिटी चेक की जाती है, क्या ग्रोथ हो रहा है, एडवांसमेंट क्या हो रहा है, नॉलेज क्या हो रही है, लर्निंग क्या हो रही है, कॉम्पिटेंसी क्या है, यहाँ पर वो सारी चीज चेक की जाती है। तो स्किल के बारे में ये चीजें मैंने इसलिए यहाँ पर लगाई है ताकि स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे अगर आप लोगों को बोलूं मैं, अगर कहीं पर भी आप लोगों को मौका मिले अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का, तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटना है, ठीक है। देखिए आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास में 5,000 रुपए हैं, ठीक है, 5,000 रुपए में आप लोगों को जूते लेकर आनी है, जैकेट लेकर आनी है, या फिर कुछ आप लोगों को और कपड़े वगैरह खरीदने हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि उसमें से जितनी ज्यादा कटौती आप लोग कर सकते हो, और लगे कि आप लोगों को अपनी जो स्किल बढ़ानी है कुछ, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी को अच्छा करना है, यानी कि एक तरीके से अपनी बॉडी में से बॉडी पर काम करना है, फैट चढ़ गया उसको कम करना है, या फिर अपनी कुछ नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है, कुछ बुक्स वगैरह लेकर आनी है, कुछ ऐसा कोर्स लग रहा है आप लोगों ने, यार जापानीज लैंग्वेज सीख लेते हैं, उसका कोर्स ले लेते हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर होता है। और हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से कभी मत बचें। जहां भी आप लोगों को लगता है कुछ आप लोगों को नया सीखना है, ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए कुछ कुछ और सीखना है, कोई गेम आप लोगों को सीखना है, या कोई स्किल सीखनी है, आप लोगों को आज के डेट में अगर बात करें कि कोई लैंग्वेज अगर आप लोगों को सीखनी है, या कोई कंप्यूटर में कुछ आप लोगों को अलग से कुछ चीजें सीखनी है, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जो हमेशा डेवलप आप लोगों को करती है, ठीक है। कहीं पता चला आप लोगों को मैनेजमेंट का कोई छोटा सा आप लोग कोर्स लेना है, तो उसको लीजिए, उससे आप लोगों की मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से नहीं बचना चाहिए कभी भी, इससे आप लोग हमेशा ग्रो करते रहेंगे, अपने साथ वाले जो लोग हैं उनसे हमेशा आगे रहेंगे। तो यहां पर इसी के चलते बोला गया कि 2 साल का एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटी यंग डायनेमिक जो इंडिविजुअल है जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनकी स्किल को इंप्रूव करेगा और ग्रास रूट के साथ में यहां पर एक तरह से डेवलपमेंट होगा। तो कंबाइंड जो क्लासरूम सेशन है, जो एकेडमिक पार्टनर है उसमें काफी शानदार है IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोगों को पता है किस क्वालिटी के, किस लेवल के इंस्टीट्यूट है, अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर कहने क्या हो गए। तो एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक जो है आउटपुट इसी के साथ में प्रमोट करते हैं लाइवलीहुड इन रूरल एरिया, ये भी आप लोग यहां पर नजर आएगा। वोकल फॉर लोकल के बारे में बात की जाती है, यानी कि अपने लोकल, जैसे मैं बोलना यहां पर लोकल एरिया से आप लोग आते हैं, तो अपनी लैंग्वेज को कभी बोलने से नहीं डरना चाहिए, अगर सामने वाला समझता है तो। अगर नहीं समझता है तो देखिए फिर तो गलत बात हो जाती है, क्या सामने वाला समझ रहा है आप लोग अपनी लैंग्वेज बोले जा रहे हो। पर हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि सामने वाला भी अंडरस्टैंड कर रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो यू कैन इजिली स्पीक योर ओन लैंग्वेज, तो अपनी लैंग्वेज आप लोग आसानी से बोल सकते हैं। इसमें अच्छा भी रहता है कि अपनी खुद की लैंग्वेज एक तरह से प्रमोट भी कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत भी यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे स्किल बेस के बारे में बात की, जिससे लोग अगर देखिए कि लैंग्वेज पे अगर इंसान सीख लेता है ना, कई सारे ऐसे लोग हैं आज के में अगर बात करूं ओनली लैंग्वेज उनके द्वारा सीखी गई और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके से कभी लैंग्वेज अगर सीखनी पड़े कोई, तो उसके बेस पर आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी जिंदगी में मिल जाती है। अगर बात करूं MGNF फेज के बारे में, ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, महात्मा गांधी नेशनल जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका फेज जो है यहां पर अभी यहां पर जो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में फर्स्ट फेज था, ठीक है, फिर यहां पर आगे चलकर अभी सेकंड फेज आया। उस टाइम पर यहां पर IIM जो बेंगलोर है उसके द्वारा एकेडमिक पार्टनरशिप यहां पर की गई और 69 के करीब यहां पर एक तरीके से जो चीजें आप लोगों को देखने को मिली, डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस द 6 स्टेट। अभी यहां पर कई सारे और भी IIM आ गए यहां पर, तो अक्टूबर 2021 में अभी नया लॉन्च किया गया यहां पर, इसके तहत और भी कई सारी चीजें आ रही हैं। तो यहां पर 8 के करीब मोर IIM अभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके चीजें आगे लेकर चलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही प्यारा सा है यहां पर, 21 से लेकर 30 के बीच में एज है, ठीक है, और आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंडिया के अंदर में, तो आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल जो लैंग्वेज के अंदर में। तो यहां पर फ्रेमवर्क के तहत आप लोग यहां पर बेसिकली जिस राज्य से आते हैं वहां पर वो मैंडेटरी रहेगी, यानी कहने का मतलब ये कि काफी कुछ आप लोग नया सीख सकते हैं। अदर स्कीम कौन सी है इस फील्ड में अगर बात करें, तो हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, ठीक है, अगर बात करें यहां पर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर जो लर्निंग हो गया, नेशनल करियर सेविंग प्रोजेक्ट हो गया, सर्विस प्रोजेक्ट सॉरी, ठीक है, स्किल मैनेजमेंट और एक्रेडिएशन टू ऑफ ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको स्मार्ट भी बोला जाता है, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू इन्हेंसमेंट जिसको यहां पर स्टाई बोला जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री युवा योजना बेसिकली यहां पर देखने को मिलेगा, युवा उद्यमिता विकास अभियान, ठीक है, कौशल आचार्य अगर बात करें यहां पर तो अवार्ड आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस, ठीक है, जो अप्रेंटिस नहीं होते एक तरीके से टेम्परेरी टाइप पर, और उनकी स्किल को इनहेंस
करने की बात की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर आत्मनिर्भर स्किल इंप्लॉयमेंट, जो बेसिकली यहाँ पर ये इंप्लॉयमेंट इंप्लॉयर मैपिंग, तो देखिए स्कीम तो बहुत सारी है, पर लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि स्कीम जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहती इतनी सारी स्कीम होने के बाद भी। सबसे बड़ी बात है कि इंप्लीमेंट कितनी हो रही है, तो उसके ऊपर फोकस दिया जाए तो और ज्यादा चीजें उभरती हुई नजर आएंगी सामने। अभी अगर संकल्प के बारे में बात करें तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, जहां सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करते हैं उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, वो स्कीम जिसमें सेंटर अकेला पैसा देता है उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। तो ये स्कीम जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लोन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर जो है जो कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट स्किल जो कमिटी है उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते ताकि रिड्यूस किया जा सके जो मिसमैच है बिटवीन द डिमांड सप्लाई। देखिए जैसी डिमांड होती है अगर वैसे सप्लाई हो जाए ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, एक बैलेंस बना रहेगा। अगर डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो दो दिक्कत देखने को मिलेगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम है तो दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, तभी यहां पर बेचने वाले को मजा आता है और खरीदने वाले को मजा आता है और दोनों का फायदा होता है, तो तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो डिसेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी यहां पर यूथ टू वर्क एंड अर्न, यानी कि काम करना और पैसा कमाना, ठीक है। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कहीं पर जाकर आप लोग एक एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट है बी, ठीक है, इस ए पोस्ट में काम करने के आप लोगों को 30,000 रुपए मिल रहे हैं पर मंथ, ठीक है, बी पोस्ट में काम करने के आप लोगों को 40,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर कोई बोले कि ए पोस्ट में जो है आप लोगों को यहां पर इतनी ज्यादा इज्जत नहीं, सॉरी बी पोस्ट में जो है पैसे तो मिल रहे हैं पर इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है, पर यहां पर इज्जत है, तो इज्जत की रोटी खाना हमेशा कभी भी, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा सुकून रहेगा। यानी कि पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर सको, खूब गाड़ी खरीदो, अच्छा सा मकान खरीदो, जितना शानदार आप लोग खरीद सकते हैं, जितनी शानदार गाड़ी खरीद सकते हैं, जितना फोन खरीद सकते हैं, खूब अपना इतना कमाना चाहिए जिंदगी में कि अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से आप लोग यूज कर सके। पर लेकिन उसके पीछे इतना भी नहीं पड़ना है कि वो आप लोग को इस तरीके कर दे कि हाँ कि अपनी जिंदगी कहां थी पता ही नहीं चला, चली गई, फिर कब्र में लेटे हुए तो तब समझ में आया आ रहा है कि यार ये क्या हो गया, तो वो वाला भी नहीं होना चाहिए। पैसा खूब कमाओ पर लेकिन उतना कि जितना आप लोगों को खुद से अलग न कर दे, तो वो वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जिंदगी में एक शानदार बैलेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है और ये आप लोग खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। पैसा कितना ही कमा लो किसके साथ में कंपेयर करोगे, ठीक है, एक से एक धनुधर पड़े हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो आप लोग कहां जाकर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, तो दिस इज योर ओन कॉल, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज एक काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, बेसिकली बात की जा रही है ड्रोन सर्विस के बारे में। आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में पाकिस्तान के द्वारा एक ड्रोन अटैक किया गया था छोटा सा, जिसमें यहां पर उनके द्वारा हथियार वगैरह भी डाले गए थे, तो उसके चलते हमारी कंट्री में ड्रोन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस तब से किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कई सारे अलग अलग जो एरिया से मिलकर जो मिनिस्ट्री जो यहां पर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो ड्रोन को हमारी कंट्री में एक तो बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर होंगे तभी ज्यादातर ड्रोन यूज किए जाएंगे, और इसी के साथ में इनको यूज भी किया जाए, इवन कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसको भी डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन का पूरा नाम आप लोग नॉर्मली बोलते हैं अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है, तो यूएवी के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी कि विजुअल लाइन ऑफ साइट, तो यहां पर बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, तो यहां पर ऑपरेशन को बेसिकली क्या किया जा रहा है कि कुड रिगार्ड्स एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द अलाउंग बियॉन्ड, यानी कि पहले क्या था कि ड्रोन आप लोग इतना ही उड़ा सकते हैं जहां पर आप लोग ड्रोन को देख सकते हैं, तो विजुअल लाइन साइट हो गए यहां पर, तो एक्सटेंडेड विजुअल लाइन साइट हो गई, अच्छा यहां से भी आप लोग को दिख रहा है, पर लेकिन अगर इसके भी वो बियॉन्ड पहुंच गया यानी कि फिर दिखना ही बंद हो गया, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इस लेवल पे भी ड्रोन को अलाउ किया जा रहा है, पहले यहां पर अलाउ नहीं करते थे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके चलते अभी बात करें तो प्राइवेट हो गए, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हो गया कोई अगर एक तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं कि मान लीजिए ड्रोन की एक कंपनी खोली आप लोगों ने, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो दवाई बेचने वाला है ए, ठीक है, ये दवाई बेचने वाली कंपनी है, और बी है यहां पर कोई बेसिकली जो बीमार आदमी है उसको दवाइयां खरीदनी है, तो ये ड्रोन वाली कंपनी ये कह रही है कि तुम दवाइयां बेचोगे, ठीक है, हम तुम्हारी दवाई लेकर इस तक पहुंचा देंगे। अरे इतने बड़े उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं, जोमेटो ले लो सीधा सीधा, ठीक है, तो जोमेटो क्या करता है, रेस्टोरेंट से कॉन्टेक्ट करता है, उनका खाना उठाता है और आप लोगों तक पहुंचा देता है, तो ये थर्ड पार्टी सर्विस हो जाती है ऐसे, तो इसकी बात बेसिकली की जा रही है। तो ये यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें आगे निकल कर आएंगी। ऑल द ड्रोन एक्सेप्ट जो नैनो ड्रोन है यहां पर, तो एक तरीके से जो यहां पर ऑपरेट करेंगे इन ग्रीन जोन, तो उनको अलाउ किया जाएगा एक तरीके से रियल टाइम में लोकेशन क्या रहेगी, नेटवर्क टू सेंसर एक तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, तो काफी कुछ चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल सेफगार्ड भी होना चाहिए, पता चला कल को उल्टी सीधी हरकतें हो रही है तो वो भी समझना पड़ेगा। तो एयर स्पेस बिलो 1,000 फीट की यहां पर बात की जा रही है, और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है वो कंटिन्यू रखेगा यहां पर एक तरीके से इंटरफेस फॉर द गवर्नमेंट, ताकि यहां पर चीजों को चेक किया जा सके, अप्रूवल और परमिशन भी यहां पर मिलती रहे। तो देखिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चलना, ठीक है, वो नहीं कि एक तरीके से पता चला कि बहुत ज्यादा अथकी होगी और चीजें इधर उधर हुई हैं। तो इंडिया के बारे में अगर बात करें तो स्टेप की बात की जा रही है इनेबल एडवांसमेंट के बारे में, ठीक है,
तो एक तरीके से ह्यूमन जो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, तो यानी कि एक तरीके से यहां पर समझ सकते हैं काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कि गुड्स की डिलीवरी की जाए, जो सामान है उसकी डिलीवरी की जाए बिना इंसान के। यानी कि इंसान अगर देखिए, आप लोग ये समझिए प्रेजेंट टाइम पे, जैसे कि इंसान अगर कहीं जा रहा है कोविड-19 के चलते सबको घर में पैक कर दिया गया कि हाँ वायरस लग सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान पे, पर लेकिन अगर इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर न ले जाया जाए, मशीन ही चली जाए तो कैसा रहेगा? तो उससे यहां पर ऐसे वायरस जो है, क्योंकि वायरस तो एक तरीके से नहीं, कोई एक तरीके जिंदा चीज पर रहेंगे, मरी हुई चीज पर वायरस नहीं रुकते हैं, ठीक है? तो इसके चलते यहां पर जिंदा इंसान के ऊपर ही वायरस टिक कर चल सकते हैं। तो जो बेसिकली बात की जाए तो यहां पर अनमैन ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सर्विस है पर प्रोवाइडर्स के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर ये ऑटोमेटेड एल्गोरिदम ड्रिवन सॉफ्टवेयर ये यूज किया जाएगा वॉइस कम्युनिकेशन के बेस पर, और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके बेस पर ये काम करेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो अपना काम करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, ठीक है? तो यहां पर अनमैंड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको ढंग से मैनेज किया जाएगा जितना जरूरी है उतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और इसी के साथ में सप्लीमेंट्री सर्विस जो प्रोवाइडर है वो भी यहां पर असिस्ट करेंगे कि हाँ कैसे डेटा को मेंटेन रखना है, ठीक है? किस तरीके से इंश्योरेंस वगैरह क्या क्या जो एनालिटिक होना चाहिए किस तरीके से मैनेज करना है। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है वो एंड टू एंड गवर्नमेंट जो गवर्नेंस ऑफ ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, तो एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने यहां पर आने वाला है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ड्रोन के थ्रू होती हुई नजर आएंगी, तो ये अप्रिशिएट करने लायक भी चीज है कि हम लोग अपने देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री भी तैयार कर रहे हैं और ऊपर से उस सर्विस को यूज कर लोगों तक चीजों को पहुंचा भी रहे हैं। तो इस तरीके का एक बैलेंस होना चाहिए चीजों के बीच में, तो ये सबसे अच्छा एक उम्दा चीज मानी जाती है, ठीक है? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसी न्यूज आप लोगों ने रिसेंटली देखी भी होगी, एग्जाम में कई बार बन जाती है। अगर बात करूं तो ये दिशा का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली डायरेक्शन के बेस पर कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के बनते हैं रीजनिंग के अंदर में, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है कि सर आप काश हमको सी सेट भी पढ़ा देते हैं। यार आप लोगों का सी सेट का आधा पोर्शन तो कवर कराए रहे हो ना, अगर कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात करें जितने सारे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन आप लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो पेपर कवर ही नहीं करा रहा हूं, ठीक है? बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं उसमें जो बताता रहता हूं बीच बीच में, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालें ना तो चीजें मतलब नैया पार लग सकती है, लेकिन आप लोग हैं कि थोड़ा सा ढील छोड़ जाते हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा तो पुश करो ना अपने आप को। देखिए जिंदगी में ना हमेशा अपनी बार को पुश करो। आज आप लोगों ने कोई काम किया 10 घंटे, कल को उसको 10 घंटे 5 मिनट करो, ठीक है? परसों को उसको 10 घंटे 10 मिनट करो। तो अपनी बार अगर पुश करना स्टार्ट कर दोगे ना तो जिंदगी में इतने आगे जाओगे कि कोई आप लोगों के साथ में कभी कंपीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए जब मैं बोलता हूं ना कि आप लोग अगर आप लोगों को लगता है चीजें अच्छी लग रही है दूसरों तक पहुंचानी है तो शेयर करना, तो एक बच्चे से कह रहा है कि सर हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन कभी दूसरे से रखना ही नहीं है, अपने आप से कॉम्पिटिशन रखो ना जिंदगी में, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा। बात करें यहां पर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। नॉर्मली सबसे ज्यादा बारिश हमारे देश में होती है साउथ वेस्ट मॉनसून से, तो इधर से बारिश आती है, सबसे ज्यादा बारिश यहां से होती है। पर लेकिन जब तमिलनाडु के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम जो बारिश आती है वहां पर ये नॉर्थ ईस्ट से निकलकर आप लोग की आएगी, ठीक है? तो उसी के बारे में आप लोगों को चीज देखने को मिल रही है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है यहां पर जब साउथ वेस्ट मॉनसून चला जाता है तो फिर अक्टूबर में यहां पर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून स्टार्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है अराउंड 20th of October यहां पर चीजें स्टार्ट हुई। और सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में याद रखिएगा। साउथ के अंदर जब आप लोग जाएंगे तमिलनाडु के अंदर में तो इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है इस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए यहां पर डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि अलग तरीके के यहां पर आप लोगों को जो वनस्पति वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि एक पैटर्न ही अलग है, एक अलग टाइम पर अलग तरीके से बारिश एक अलग एरिया में हो रही है, तो इसलिए वहां पर डिफरेंट तरीके की चीजें भी आप लोगों को नजर आएंगी। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा है IMD, जिसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD जो है हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। आप लोगों को बस ये बताना है कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, ठीक है? बहुत सारे काम करती है हमारी कंट्री में, जैसे कि एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है? कल को कोई साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, कोई इस तरीके की बाढ़ वगैरह आ रही है उसके बारे में पहले से लोगों को आगाह कर देना कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, अपना तनुवेट सुनने वाला डायलॉग की अपनी पेटी बांध ले, ऐसा कुछ होने वाला है, तो वाली चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तमिलनाडु जो है एनुअल रेनफॉल के बारे में बात करें तो वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है, तो ये इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर बारिश यहां पर होती है। तो यानी कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून में वैसे हमारे देश में बारिश होती है, पर लेकिन सबसे ज्यादा बारिश आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो उसकी वजह से अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है साउथ वेस्ट मॉनसून जो है अगर बात करें, ठीक है, तो उसकी वजह से कई बार ये डिले भी हो जाती है उसके बेस पे अगर हम बात करें। जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड अगर बात करें जो मॉनसून का जो एक्सपीरियंस है ये ट्रॉपिकल एरिया में ये रफली 20 नॉर्थ और 20 साउथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डिस्क्राइब इसको किया जाता है एज ए मॉनसून के टाइप के तरीके से ही। तो मैंने वही बताया साउथ वेस्ट मॉनसून और यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट के बारे में बात करें तो जून
जुलाई अगस्त सितंबर ये टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो इसका टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके 3 महीने और ये 4 महीने यहाँ पर बारिश करता है बेसिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूं यहाँ पर बेसिकली तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में, तो विंटर में आता है, सर्दियों में ये बारिश आती है, जब जब ये बारिश होती है तब तब मौसम जो है और ज्यादा ठंडा हो जाता है। और अभी भी आप लोगों को पता है मौसम काफी चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपने जो कपड़े हैं सर्दियों के उनको आप लोग अच्छे से यूज करने स्टार्ट कर दिए। पता चला कि तबीयत खराब हो रही है तो तबीयत खराब नहीं होने देनी है, ठीक है, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ओके, आगे बात करें स्मॉल स्केल अगर मॉनसून के बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है विंटर, ये बेसिकली यहां पर मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है। फैक्टर क्या रहते हैं, एक तो विंड का पैटर्न चेंज होता है, बोला यह जाता है कि जो साउथ वेस्टर्ली है तो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि विंड का जो पैटर्न चेंज होता है उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा यहां पर साइक्लोनिक एक्टिविटी, कई बार इस टाइम पर साइक्लोन आते हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो पीक टाइम होता है साइक्लोनिक एक्टिविटी का, ठीक है, तो वो भी यहां पर कवर करता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को, तो उसके चलते भी देखने को मिलता है। दो विंड जो एसोसिएटेड है यहां पर वो फॉर्म करती है लोअर प्रेशर। ठीक है, आप लोगों ने गुब्बारा देखा है नॉर्मली जब बर्थडे वगैरह पर आप लोग गुब्बारे फुलाते हैं, फुग्गे बोलते हैं नॉर्मली, उसमें देखा होगा अगर हवा भरकर उसको छोड़ देंगे तो वो एक तरीके से मान लीजिए ये गुब्बारा है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे इसमें से हवा निकलेगी यहाँ पर इस साइड में से तो ये पीछे भागेगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से हवा कहां से भाग रही है, हाई प्रेशर है अंदर तो लो प्रेशर की तरफ को भाग रही है, तो इसी तरीके से आप लोगों का विंड का फ्लो आप लोगों को नजर आएगा। विंड जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इसी की वजह से साइक्लोनिक एक्टिविटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है और उसी के बेस पर फिर यहां पर आगे चलकर बारिश होती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात करें जहां पर ये एसोसिएटेड रीजन है तो तमिलनाडु पौंडीचेरी इसी के साथ में कराईकल यमन कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश केरला इंटीरियर कर्नाटक मेह और लक्षद्वीप ये वो एरिया है जहां पर ये इस पर्टिकुलर रीजन से यानी कि नॉर्थ ईस्ट की वजह से यहां पर जो मॉनसून है उसकी वजह से बारिश होती है। तो ये कुछ बेसिक एरिया के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए कि अच्छा भाई साहब इसकी वजह से बारिश कहां हो रही है, तो यहां पर बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल यमन आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटक मेह और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये याद रखेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे कि कराईकल हो गया यमन, ये कराईकल हो गया यनम हो गया पुदुचेरी हो गया और मेह हो गया, अगर इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप में एक बार को दिखा दूं तो आप लोग समझ पाएंगे कि यहां पर एक ही चीजों के कई बार इस तरीके से नाम दिखा दिए गए। ठीक है, एक सेकंड इसको हटाते हैं, एक सेकंड। अब देखना आप लोग यहां पर किसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, ये यमन बेसिकली ये यनम हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर पुदुचेरी वाला एरिया। ठीक है, यहां पर पुदुचेरी हो गया। ठीक है, और ये आप लोगों का कराईकल पुदुचेरी हो गया और ये मेह पुदुचेरी हो गया, यानी कि जो चार नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, चार नाम पुदुचेरी के चार डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग राज्य में। तो एक तो है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम यनम है, दो है तमिलनाडु में जिनका नाम पुदुचेरी और कराईकल है, तीसरा है मेह जो कि केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में ये इनके नाम हो गए। तमिलनाडु जो है उसके बारे में अगर बात करें तो तमिलनाडु रिकॉर्ड अबाउट 48% जो एनुअल रेनफॉल है वो इसी पर्टिकुलर रीजन से यहां पर आता है, तो इसलिए तमिलनाडु में कई बार ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहां पर। ठीक है, इस टाइम पर कई बार बाढ़ आ जाती है, कई सारे ऐसे रीजन में ज्यादा बारिश हो गई, तो वो सारी चीजें भी मैनेज करनी होती है। तो ये कई सारे मुद्दे हो गए जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मौसम के बेस पर कंफ्यूजन आना नहीं है, बेसिकली माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोगों ने बातें की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यूएसए के साथ मिलकर प्रोक्योरमेंट के बारे में बात की गई, MK-54 जो टोरपेड एक तरीके से एक्सपेंडेबल यहां पर जो इंडियन नेवी के लिए यहां पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं ये चीज आगे निकल कर आई। ठीक है, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री के स्केल पर यहां पर ये मिनिस्ट्री जो यहां पर जो फॉरेन जो मिलिट्री जो सेल है उसके बेस पर यहां पर ये चीज देखने को मिली। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि यूएसए हम लोगों को कुछ जो बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड कराएगा उसी के साथ में यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफर एक तरीके से नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी देश से हम लोग को 5 चीजें खरीदनी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 तो तुम खुद से बना के दे देना, 3 हमारे देश में ही बना के आएंगे। तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर ट्रेनिंग भी देखने को मिलती है उसके बेस पर कि जिस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूज किया जाएगा यहां पर एक तरीके से फ्लाइट ऑपरेशन के लिए रिकवर किया जाएगा और कैपेबिलिटी बढ़ेगी एंटी सबमरीन। सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी। ठीक है, तो उसमें काफी बड़ा ये रोल प्ले यहां पर करने वाला है। तो यूएसए का जो कमिटमेंट है शेयर करने का कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंडिया, तो उसके चलते चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है और ये वही यूएसए है जिसके चलते झड़प भी होती है S-400 सिस्टम को लेकर। S-400 क्या है यहां पर, ये इसको एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग बोलते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर अगर हम लोग बात करें तो रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं और इसी के चलते हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात यूएसए के द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू हमारे ऊपर S-400 को लेकर ये सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, तो आप लोग बताइए। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। चाइना जो है वो यहां पर अगर बात करें मसल भी दिखा रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए भी यहां पर होने की एक तरीके से कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो वाला पैटर्न भी यहां पर इंडिया के द्वारा फॉलो किया जा रहा है आज के डेट में।
और ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ MK54 टोरपेडो, ये क्या है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, हवाई जहाज से भी हम लोग इसके ऊपर वार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे, ये एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड। अब आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। अरे भैया धो भाई रहे एक सेकेंड। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली जिसके बारे में यहां पर ये खरीदने की बात की जा रही है, तो काफी हमारी कंट्री की जो डिफेंस की कैपेबिलिटी के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, और ये एक तरीके से खासकर अगर बात करें तो जरूरी भी है चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो बोला ये जा रहा है कि MK54 जो टोरपेडो है यहाँ पर, ये सिगार शेप का सेल्फ प्रोपेल्ड ये अंडर वाटर मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। MK54 काफी सोफिस्टिकेटेड है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम के थ्रू एक काम यहाँ पर करती नजर आती है, और वॉरफेयर में काफी काम आ गया। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि इसको यूज अगर हम लोग को करना है तो P8I पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट है वो बेसिकली काम कर सकता है एंटी सबमरीन ऑपरेशन के टाइम पर, ठीक है। तो एक तरीके से नहीं, कोई अगर अगर बात करें जमीन के अंदर में कोई पनडुब्बी है तो उसको मारकर गिरा सकती है, पता चला हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कोई पनडुब्बी आ रही है, तो पनडुब्बी को पानी के पानी में ही उसको खत्म कर जाएगा, ठीक है। वही बात फिर राहुल गांधी वाली कि खत्म टाटा बाय बाय सी यू, तो वो वाली बात देखने को मिलेगी, तो पानी के अंदर ही चीजें खत्म। इंडियन ओशन में जैसे चाइना भी यहां पर दबदबा दिखा रहा है, तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट ये हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे जो मैं बात करने वाला हूँ, यह है एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि बहरीन, रिसेंटली कई बार न्यूज में भी रहती है, ठीक है। मैप में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको याद रख पाएंगे बहरीन को। तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा जब आप लोग जूम करेंगे, जूम करने के बाद में आप लोग यहां पर बेसिकली जाएंगे, तो बेसिकली बात कर रहा हूँ पर्शियन गल्फ के अंदर में, ठीक है। तो अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो यहां से ये आप लोग आएंगे तो गल्फ ऑफ ओमन हो गया ना, और यहां पर आएंगे तो पर्शियन गल्फ हो गया। जब इसको थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखें ना, जरा सा जूम करेंगे तो यहां पर गल्फ, पर्शियन गल्फ के अंदर में आप लोगों को बहरीन देखने को मिलेगा। तो जब जूम करना है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं और अच्छे से बहरीन को देखेंगे, ठीक है। तो यह है बहरीन, बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा। तो इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये जो बेसिकली कनेक्ट है, यहां पर एक कैनाल टाइप कुछ बना हुआ है, इससे यहां पर कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर बात करें बहरीन जो है ये सऊदी अरेबिया हो गया पड़ोस में, और ये पर्शियन गल्फ के अंदर एक कंट्री देखने को मिलेगी। तो मनामा इसकी कैपिटल है, पर्शियन गल्फ के अंदर एक आइलैंड नेशन है जो कि स्मॉल अरब कंट्री है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये बहरीन जो है एशिया के अंदर ये तीसरा सबसे छोटा देश है। किसके बाद में अगर बात करें तो इससे छोटा देश कौन सा है, इससे छोटा देश सबसे यहां पर सिंगापुर और मालदीव देखने को मिलेंगे, और तीसरे नंबर पर ये आप लोगों को नजर आएगा। तो बहरीन के अंदर यहां पर एक जिसका नाम है दिलमन, तो दिलमन सिविलाइजेशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहां पर दिलमन सिविलाइजेशन। यहां पर अगर बात करें तो शब्द है बेसिकली जिसको हम लोग बहरीन बोलते हैं, तो अल बहरवन, ठीक है। तो यह इसका मतलब है टू सी, तो यहां पर इसके नाम से इसका नाम निकालकर लाया गया है। किंग है यहां पर हमद बिन ईसा अल खलीफा, तो ये यहां पर इसके किंग है, और टोटल मिलाकर लगभग 30 के करीब छोटे छोटे आइलैंड मिलकर इस देश को बनाते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, ठीक है। तो छोटा सा तो कम से कम आइडिया होना चाहिए, अगर मैप बेस्ड कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा और जूम करके आप लोग देखते हैं, यहां पर ये गल्फ ऑफ बहरीन हो गया यहां पर, ठीक है, गल्फ ऑफ बहरीन, और यहां पर आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है। एक है यहां पर तुबली, ठीक है, TUBLI, तो तुबली बे भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसका एक हवाहार आइलैंड भी है यहाँ पर। तो कई सारी छोटी छोटी चीजें, सारी रटनी तो नहीं है ये सारी चीजें ना। एक बच्चा कह रहा है सर मैप तैयार कैसे करना है, रटने वाली चीज नहीं होती यार, कभी ऐसे तैयार कर ही नहीं पाओगे कि बैठ के मैप तैयार करो। नहीं, जो चीज न्यूज में आ रही है आप लोगों को जाकर उसको तुरंत मैप में देखना है, और इतनी बार आप लोग देख लोगे, इतनी सारी न्यूज आती है कि आप लोग देखते देखते उन चीजों को याद कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये पैटर्न आप लोग लेकर चल सकते हैं, काफी फायदा आप लोग को इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बेसिकली जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन था यहां पर कि हाँ अगर कोई मिनिस्टर है, ठीक है, आफ्टर रेजिग्नेशन, अगर उसके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर, और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए कि यहां पर अबाउट रेजिग्नेशन। तो यहां पर बेसिकली लोकसभा के अंदर कोई भी अगर परमिशन आप लोगों को चाहिए तो यार स्पीकर ऑफ द लोकसभा के हाथ में यहां पर आप लोगों को पावर देखने को मिलती है, और अगर आप लोग राज्यसभा के अंदर जाता है तो वहां पर चेयरमैन रहता है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर हो जाता है, तो इसके चलते आप लोग स्पीकर के बारे में अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग थोड़ा सा जाकर स्पीकर वाला सर्च कर लेगा, स्पीकर बाय वीर, ठीक है। तो ये स्पीकर जो है उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को स्पीकर क्या होता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सारी चीजें की एक तरीके से डिप्टी स्पीकर क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोगों को बता दूं, स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, अगर मान लीजिए इनको छोड़ना है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, ताकि लोकसभा से बाहर ना जाए, घर का मैटर घर में ही रह जाए। तो ये भी कई बार ऐसा क्वेश्चन
पूछा जा चुका है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है, माइंड में क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फिर से सबसे पहले तो आप लोगों सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो अच्छे से ध्यान रखना और कभी किसी को जज नहीं करना है, किस तरीके से किसी को जज कर लेना बिना जाने हुए, हालांकि जानकर भी जज ही क्यों करना है, जज करना ही क्यों है किसी को। हर एक इंसान की जिंदगी है ये बिल्कुल ऐसी होगी, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर ही है, ठीक है, तो नॉर्मल तो टीचर की नॉर्मल जिंदगी है, पता चला शादी में कहीं टीचर है और पता चला वो टीचर जो है मतलब एक ये एक एक, एक, एक तरीके से हुआ था, ये एक बंदा था पर्टिकुलर, ठीक है, तो वो एक टीचर को फॉलो करता था, ठीक है, तो उसके द्वारा मेल लिखा गया सर एक टीचर है मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो जो टीचर था वो कहीं मतलब शादी में था अपने दोस्तों के साथ में और वो बंदा भी वहां पर गया था, तो टीचर जो वहां पर मतलब बियर वगैरह कुछ पी रहा होगा, तो देखो यार वो टीचर है ठीक है, पर लेकिन उसकी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, तो एक तरीके से ऐसे ही कैसे एक्टर्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग क्या करने लगते हैं एक तरीके से जज करने लगते हैं, जरा सा कुछ होती है कि यार वो एक्टर ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, यानी एक तरीके किसी को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, भाग गया, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, पर हाँ उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि एक तरीके से एक उसके बारे में हम लोग कमेंट करना चाहिए, जज करना चाहिए कि एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है कोई पढ़ाने में, ठीक है, साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट इतना शानदार है कि उसका इक्विवेलेंट कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर इतना शानदार है कि उसके इक्विवेलेंट कोई डॉक्टर नहीं है, कबीर सिंह मूवी देखी थी ना, एक शानदार डॉक्टर था पर लेकिन इतना बड़ा पियक्कड़ था कि एक पियक्कड़ के चक्कर में वो क्या करता था, मतलब ऑपरेशन कर दिया दारू पीते पीते, तो वो वाली गलत चीज है, पर लेकिन अगर पीकर घर पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी खुद की लाइफ है, उसको खुद डिसाइड करने देना चाहिए, पर हाँ जब वो डॉक्टर है तो वो शानदार डॉक्टर है, तो उसके प्रोफेशन के बेस पर नॉर्मली इंसान को जाना जाता है, हर एक इंसान एक तरीके से पैदा होते हैं, एक तरीके से मर जाते हैं, पर लेकिन अगर उसके प्रोफेशन के बारे में बात करें तो वो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है जिसके ऊपर फोकस कि उसमें कितना शानदार है वो इंसान, तो हमेशा उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा और आर्टिकल 19 जरूर याद रखिएगा, उसी में से हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी हम लोगों ने क्या क्या बात की यहाँ पर स्किल के बारे में बात की, ये हम लोगों ने बेसिकली संकल्प क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझा और भी कई सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या प्रोग्राम है, तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला। क्वीन जो है उसके बारे में जाना, एक पर्टिकुलर एरिया का नाम चेंज किया गया और साउथ कोरिया से हमारे रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो इनको वहां पर यूज भी कर सकते हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली इंडिया और यूएसए के डिफेंस के रिलेशन के बारे में बात की और जो MK 54 टॉरपेडो है उसके बारे में जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बेसिकली 6th जो AIIB की मीटिंग के बारे में, इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, AIIB क्या है, तो काफी कुछ हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा, ड्रोन के बारे में समझा और यहाँ पर इसी के साथ में हम लोगों ने बियॉन्ड विजुअल लाइन साइट ये सब क्या होती है, ये तीनों चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोगों ने और भी समझा क्या क्या चीजें हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पर IMD से चलते और ये क्या क्या मानसून क्या क्या और डायरेक्शन क्या है वो सारी बातें जानी, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में जानी और एक क्वेश्चन के आंसर भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आप लोगों के सामने क्विज जो कि आप लोग अटेम्प्ट करें, संकल्प की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, आर्टिकल कौन सा है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, यार इतना तो एक्सपेक्ट मैं आप लोगों से करता हूं कि वीडियो देखने के बाद में कम से कम आप लोग आंसर जरूर दिया करो, ठीक है, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि मतलब कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें, समझ में नहीं आ रहे तो उनको बताया करो, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखते हैं। तो क्वीन जो है ये याद रखिएगा, क्वीन ह्यू हुआ जो ओके है इनका नाम याद रखिएगा और जो पार्क का नाम चेंज किया गया उसका नाम बताइए, कौन सी मीटिंग थी AIIB की ये आप लोगों को बताना है, किस कंट्री के बाद में इंडिया जो है सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है और इसकी कंट्री कितनी वोटिंग पावर है ये बताना है, बहरीन के अलावा कौन सी और सबसे छोटी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है, किसके नाम पर यह नाम रखा गया बेसिकली ये बताइए और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट मानसून से किस में बारिश होती है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं कल का, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाएंगे। NSC क्या है इसके बारे में आप लोगों से बात की थी यहाँ पर, इसी के साथ में स्कीम के बारे में बात की थी, किसका पार्ट बनाकर यहाँ पर निपुण भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर 3 स्कीम आती है वो कौन कौन सी है, निष्ठा प्रोग्राम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, पब्लिक हेल्थ सर्विस अवेलेबिलिटी ये बात की जा रही है बेसिकली ये रूरल एरिया में कितनी है और अर्बन एरिया में कितनी है, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अभी बोला है कि 0 एमिशन करेगा पर कब तक ये तो बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में बात की थी, उसकी पहली साइट हम लोगों ने देखी थी यूनेस्को की आप लोगों को बताना है, एक पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में बात की थी जो कि ब्रेस्ट के अंदर पाया जाता है, तो ये इंसानों में मेल के अंदर भी होता है फीमेल के अंदर भी होता है पर मेल के अंदर इतना डेवलप नहीं होता है, फीमेल के अंदर डेवलप होता है इसलिए जब भी कोई बच्चे को जन्म देती है कोई महिला तो जो उसमें से दूध निकलता है बच्चे के लिए, ठीक है, जो मां का दूध होता है वो इसी ग्लैंड से बनता है बेसिकली, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो AADB के बारे में बात की थी तो सबसे ज्यादा लोन मिला भी यहां पर मिजोरम के लिए, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है, तो आंसर देख लेते हैं।
नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है जो कि निपुण के बारे में बात कर रही है, और निपुण की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर बेसिकली नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इसी के साथ में न्यूमरेसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये इस लेवल पर लेकर चलना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको चीजों को लाया गया। समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में बात करें और टीचर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड द टीचर्स, यानी कि यहाँ पर तो बच्चों के ऊपर और यहाँ पर बेसिकली टीचर्स के ऊपर फोकस किया गया डेवलप करने के लिए। हेल्थ जो है सबसे ज्यादा अच्छी है यहाँ पर बेसिकली 65% एरिया में और 87% में यहाँ पर शहर में, बाकी बहुत सारे एरिया जो अभी नहीं अप टू द मार्क है। सऊदी अरेबिया यहाँ पर 2060 तक का बोल रहे हैं कि जीरो एमिशन के बेस पर ही अपने आपको लेकर आएगा। धोलावीरा पहली ऐसी साइट बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको यूनेस्को के तहत यहाँ पर काउंट किया गया। यूनेस्को के तहत हमारी कंट्री में कितनी साइट है, और रिसेंटली दो साइट जो अभी ऐड की गई उनमें से एक मैंने बता दी, एक आप लोगों को बताना है। मामेरी ग्लैंड होता है बेसिकली यहाँ पर जो दूध के लिए यहाँ पर बेसिकली जो बॉडी के अंदर काम करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर काम किया तो उससे मिजोरम के लिए यहाँ पर चीजें देखने को मिली मोबिलिटी में। ठीक है, आज का डिस्कशन यह था। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करनी है, और यहाँ पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं अगर ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।